Dear स्टूडेंट, वेलकम टू NCF विद राजेश सर। स्टूडेंट्स, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सॉल्यूशन पढ़ रहे थे कि कैसे हम सॉल्यूशन बनाएंगे, किसका लीनियर इक्वेशन पेयर में दिया रहेगा उसका, यानी कि हम x और y की वैल्यू सॉल्व करना सीख रहे थे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया कि हमने दो जो मेथड थे वो सीख लिया। हमने कौन कौन सा मेथड सीखा? सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा, जिसमें x की वैल्यू या y की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे में रख देते थे और फिर y या x की वैल्यू आने पे फिर दूसरा जो वेरिएबल बचता था उसकी वैल्यू बना लेते थे। फिर हमने सीखा इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड में हमने क्या सीखा कि एक वेरिएबल को या फिर x को या फिर y को इलिमिनेट करते थे, और अगर जिसको इलिमिनेट करना रहता था उसके कोफिशियंट से दूसरे वाले में इनटू करते थे इक्वेशन में पूरा, और दूसरे वाले के कोफिशियंट से पहले वाले इक्वेशन में पूरी तरह से इनटू करते थे। तो जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक सीरीज से कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप पहले अगर वो प्लेलिस्ट देख लोगे तो जो मैं ये बातें कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएंगी, और फिर जो ये लेक्चर होगा ये भी आपको आसानी से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको फिर और क्या करना है कि चैनल पे और दो प्लेलिस्ट होंगी, आप जब जाएंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो पहले से ही चैनल पे दो प्लेलिस्ट पूरी क्रिएट कर दी गई है, जिसमें रियल नंबर है और पॉलिनोमियल है, जो कि पूरा सिलेबस जितना है आपका पूरा उसमें कंप्लीट कराया गया है क्वेश्चन के साथ, मतलब कॉन्सेप्ट भी आपको बताया गया है और क्वेश्चन भी आपको कराए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में लेक्चर सीरीज 5 चल रही है, और 5 का ये क्या है, तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सब्स्टिट्यूशन किया, दूसरे में इलिमिनेशन किया, इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बच्चों जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो बहुत सारे बुक्स में, लगभग सारे बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके फार्मूला दिया है बच्चों, तो मैं वो प्रीफर नहीं करता कि आपको फार्मूला लेके मैं चीजों को सिखाऊं। हम क्वेश्चन के ही माध्यम से सीखेंगे, क्वेश्चन को ही लेके सीखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्वेश्चन ही करना है। और ये जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ये कितना हो लीनियर इक्वेशन का टफेस्ट क्वेश्चन हो, इससे आराम से आंसर बनता है। बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के अंदर कि ये इस वाले मेथड में कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होती है, इसलिए बच्चे इससे घबराते हैं। लेकिन कितना हो टफ क्वेश्चन आपको इस दे दिया जाए लीनियर इक्वेशन का और कहा जाए कि x और y की वैल्यू बताइए, तो आप इस मेथड का यूज करके आराम से बता सकते हैं। तो इस मेथड्स के रूल को समझते हुए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो पहला सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। तो रूल क्या है बच्चों कि कोई भी इक्वेशन में अगर LHS में कुछ है तो सबसे पहले आप क्या करिए, उसको किस में लाइए, LHS में ले आइए। क्या रूल है? पहला स्टेप कि RHS में जो चीजें हैं उसको किस में लाइए, LHS में। तो ले आए तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा बच्चों, -7, ये हो गया पहला। फिर ये दूसरा हो जाएगा -6=0। ठीक है, अगर उधर भी रखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक रूल बना लीजिए कि इधर ही लाना है। अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा याद करने वाला है कि बच्चों डिराइवेशन से आता है जो कि हायर क्लास में है, तो अभी बस अभी लर्न कर लीजिए कि ऐसे ऐसे करना होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे x, यहाँ पे लेंगे y और यहाँ पे लेंगे 1, और इसके नीचे ये ऐसे लाइन खींच देंगे, ऐसे लाइन और ऐसे लाइन, और तीनों के बीच में =2 लिख देंगे। ठीक है, जब ये लीनियर इक्वेशन का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, तो मैं बताऊंगा कि इसका रीजन ऐसे क्यों लिखते हैं। फिलहाल अभी ये लर्न करिए कि ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको इन सब के नीचे जो है प्यारे बच्चों वो कोफिशियंट लिखना है। हमको क्या लिखना है, कोफिशियंट लिखना है। किसका लिखना है, अब देखते हैं। तो यक्स जब हम लिखेंगे बच्चों, तो यक्स को ढक लेंगे, यक्स को हम क्या किए, ढक लेंगे, और फिर राइट में चलेंगे, और आरएचएस को नहीं जाना है,
आपको LHS में ही रहना है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि इधर कर लेंगे तो इधर का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जिसका कोफिशियंट लिखना होता है, जैसे यस का लिखना है तो यस को आप ढक लीजिए फिर आगे बढ़िए। तो कोफिशियंट कितना आ रहा है, -3, तो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर कितना आ रहा है, -7, इधर लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। फिर अब इधर नहीं जाना है, फिर आप आइए दूसरे इक्वेशन में। तो दूसरे इक्वेशन में वाई का भी कितना है, -1, यहाँ पे साइन के साथ लिखना है बच्चों। फिर कितना है, -6, आया समझ में। आगे समझते हैं, वाई लिखना है तो क्या करेंगे हमारे प्यारे बच्चों, तुम्हारे बच्चे कहेंगे कि सर अगर वाई लिखना है तो हम वाई के कोफिशियंट को क्या करेंगे, ढक लेंगे। तो ढक लीजिए, चलिए तो हम ढक लेते हैं। तो ढकने पे हमको ये पता चलता है कि ये ढक लिया तो क्या मिलेगा, -7। अब हमको इधर तो जाना नहीं है तो फिर किधर आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो कितना लिखना है, 2, ठीक। अब आइए सेकेंड में, तो ये कितना हो जाएगा, -6, और फिर कितना हो जाएगा, यक्स दिख रहा है, यक्स के आगे कोई नंबर नहीं है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों। अब अगर हमको कांस्टेंट लिखना है, यानी 1 है तो ये कांस्टेंट को लिखा जाएगा। तो कांस्टेंट का कोएफिशिएंट लिखेंगे तो कांस्टेंट को ढक लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर हमको जाना नहीं है तो शुरुआत कहाँ से होगी, 2 से। फिर इसके बाद क्या लिखा जाएगा, -3। फिर क्या लिखा जाएगा, यक्स के आगे कोएफिशिएंट कितना है, 1। फिर वाई के आगे कोएफिशिएंट कितना है, -1। क्लियर है बच्चों। जिसका कोफिशियंट लिखना होगा उसको ढक लेंगे, फिर उससे राइट हैंड साइड में चलेंगे, RHS में नहीं जाना है। तो अभी तक क्या हुआ बच्चों कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था लेकिन अभी तक आया नहीं था। तो अब इस स्टेप से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है, तो आप ऐसे एरो बना लीजिए। मैं बच्चों हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसे ही एरो बनाइए और केवल सिंगल एरो बनाइए, दोनों एरो मत बनाइए। किताब में क्या है, आपके दोनों एरो बना के देता है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप एक तरफ एरो बनाइए, या तो आप ऐसे एरो बना लीजिए या फिर ऐसे। लेकिन अगर इस तरह से एरो बनाए हैं तो तीनों में ही एरो ऐसे ही होने चाहिए। अगर आप इस तरह से एरो बनाते हैं तो तीनों में एरो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बच्चों हमको कितना एरो बनाना है, सब में 1-1 एरो बनाना है। चलिए तो बना के लिख लेते हैं। तो देखिए ये कितना हो गया, -3 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, -6। तो माइनस और माइनस बच्चों कितना हो जाता है, प्लस। और जब भी पहला आप इनटू करोगे जस्ट उसके बाद क्या लिखना है, माइनस साइन लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, माइनस साइन लिख लिया। फिर यहाँ पे आ जाइए वाई के साथ, तो वाई में भी यही प्रोसेस करना है। तो -7 का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, -7। क्या लिखना है बच्चों, माइनस लिखना है। फिर आ जाते हैं 1 के साथ, तो 1 के साथ लिखेंगे तो 2 में -1 से करेंगे क्या हो जाएगा, -2। क्या लिखना है बच्चों, माइनस। अब क्या करेंगे, ये जो बच रहा है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 में कितना आएगा, 7। यहाँ पे -6 से करेंगे कितना आएगा, -1। यहाँ से करेंगे कितना आएगा, -3। अब आप क्या करिए, चाहे तो एरो लगा सकते हैं घर वाला, या तो रहने देंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, थोड़ा थोड़ा परसेंट आ रहा होगा बच्चों को, क्योंकि थोड़ा सा लर्न करने वाला, इससे थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी। अब क्या करते हैं, बस सॉल्व कर देते हैं। तो 18 में से 7 जाएगा तो बच्चों में रह जाएगा 11। ये कितना आ गया, -7। माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यक्स अपान 11, वाई अपान 5, 1 अपान 1। तो इस तरह का इक्वेशन बच्चों पहले हमने के वाले क्वेश्चन में सीखा है कि अगर आपको 2 = 2 दिया हो, 3 इक्वेशन दिया हो, तो किसी 2 को ले लेते हैं और आंसर बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे 2 को लेंगे जिसमें एक में यक्स आ जाए, दूसरे में कांस्टेंट आ जाए। तो केस 1 में आप क्या बनाओगे, केस 1 में क्या बनाओगे, टेकिंग 1 कौन सा टर्म लेने पे यक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है। इसको लास्ट ना कहते हुए थर्ड कर देते हैं, ठीक है, थर्ड टर्म। तो क्या आ जाएगा बच्चों, x/11 = 1/1। तो यक्स की प्यारे बच्चों वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। केस 2 में आते हैं, तो केस 2 में क्या लेंगे बच्चों, कौन कौन सा लेंगे टर्म, तो टेकिंग सेकेंड, और कौन कौन सा टर्म लेंगे बच्चों, थर्ड, जिससे कि हमारा क्या आ जाए, y आ जाए। तो लेते हैं, तो y/5 = 1/1। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 5। तो प्यारे बच्चों प्रीवियस वीडियो में जैसे सॉल्यूशन लिखने का तरीका था,
वैसे ही हम इसमें लिखेंगे पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, और फिर क्या बना देना है, बॉक्स बना देना है। क्लियर है? तो अभी मुझे उम्मीद है कि आपको लगभग 10% इसका आया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कि आपको लगभग लगभग 40-50% चीजें आ जाए, क्योंकि बच्चों आप लोग को जल्दी चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और मैं ये एडवाइस देता हूं बच्चों की जो बच्चे इसको सीख चुके हैं पहले से या फिर अभी इसको बताने से सीख चुके हैं, वो जो दूसरा क्वेश्चन है वो वीडियो को पॉज करें और तुरंत बनाने की कोशिश करें, फिर अपना आंसर जो मेरा आंसर आता है उससे मैच कराने की कोशिश करें। तो चलिए सेकंड सॉल्यूशन है। तो सेकंड सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, वही रूल, आरएचएस में आपके कुछ नहीं रहेगा, सब एलएचएस में आ जाएगा। तो ये क्या था, प्लस था, इधर आ जाएगा माइनस। और केयरफुली सुनिए इसको ताकि पूरा चीज समझ में आ जाए। 2x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इतना ठीक था, 1 हो गया। सेकंड फिर क्या है, x बनाना है, ठीक है, फिर y बनाना है, ठीक है, फिर 1 बनाना है। अब क्या बताया था कि x अगर आपको बनाना है तो x के पास जो कोफिशियंट है उसको हम क्या करेंगे, ढक लेंगे और राइट हैंड साइड में चलेंगे, मतलब राइट साइड में चलेंगे और आर एच एस की वैल्यू नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चे हमारे लिख लिए होंगे तो मैच कराइए। तो यक्ष लिखना है, यक्ष हमने ढक लिया, क्या हो गया 4, तो दिख रहा है बच्चों 4। फिर क्या है, माइनस 9 लिख लिया। फिर आते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो वाई के आगे कुछ नहीं है सर, तो वाई के आगे कुछ नहीं है मतलब क्या है, साइन के साथ माइनस 1, फिर क्या है माइनस 7, तो ये हो गया एक्स का, ठीक है। y का लिखते हैं, तो y का लिखेंगे, y ढक लेंगे, चले राइट साइड में, तो क्या है माइनस 9। अब इधर जाना नहीं है हमको, फिर कहाँ पे आ जाएंगे, x पे कितना लिखना है 3। फिर दूसरे इक्वेशन के लिए लिखेंगे माइनस 7, फिर इधर जाना नहीं है, इधर आ जाएंगे, कितना बच रहा है 2 बच रहा है, दिख रहा होगा बच्चों 2 बच रहा है, 2 हो गया। 1 लिखना है, ये y है, 1 लिखना है तो इसको ढक लेंगे, अब इधर जाना नहीं है, क्लियरली देख रहा है, पहले इक्वेशन में 3 है, दूसरे में 4 है, 2 है, माइनस 1 है, ठीक। फिर हमने बताया कि एक और एक एरो लगाना है, ऐसे लगा दिया एरो, ठीक है बच्चों, एरो लगा दिया। फिर क्या करना है कि इनटू करना है, तो माइनस 28 हो गया, फिर कहा पहला इनटू के बाद क्या लिखना है, माइनस लिखना है, बस यहीं तक आपको याद रखना है। 3 चीजें याद रखनी है, पहला आरएचएस में कुछ नहीं होना चाहिए, दूसरा जिसका कोफिशियंट लिखना होगा उसको ढक लेंगे और उसके आगे का लेंगे, तीसरा पहले प्रोडक्ट के बाद क्या लिखना है माइनस, इन्हीं तीनों से काम आपका बन जाएगा। ये हो गया माइनस, फिर वाई के नीचे लिख दिया माइनस 18 हो गया, फिर माइनस 1 लिख दिया, माइनस 3 हो गया माइनस, तो बताइए अब इसको कितना हो गया, माइनस 1 से माइनस 9 में करेंगे प्यारे बच्चों 9, माइनस 7 से 3 में करेंगे माइनस 21, 2 से करेंगे 4 में 8, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन किसका होगा, माइनस का, तो ऐड करेंगे इतना आएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस 18 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इतना हो गया 1 अपान, ये माइनस माइनस ऐड होगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो x अपान माइनस 37, ये y अपान कितना हो गया 3, ये साइन ऊपर चलाया जाएगा 11। अब हमने कहा कि 2 इक्वल टू है, 3 इक्वेशन है, तो क्या करेंगे कि नहीं 2 को ले लेंगे और आंसर बना लेंगे। तो केस 1 में हम क्या करेंगे, आपको पहले भी कराए हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, यही तो है जिससे x आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, x माइनस 37, माइनस ऊपर चला जाएगा, फिर थर्ड टर्म क्या है, माइनस 1 अपान 11, तो माइनस से माइनस खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11x अपान इज इक्वल टू 37, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, 37 अपान 11, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं केस 2 पे, तो केस 2 पे अगर हम करेंगे बच्चों, तो y केस 2 में क्या करेंगे, टेकिंग, क्या करना है, टेकिंग सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ऐसे ही पूरा सिस्टमेटिकली आप लिखोगे बच्चों तो आपका मार्क्स कहीं भी कटेगा नहीं। तो सेकेंड टर्म क्या है, y बाई 3, और फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 1, थर्ड टर्म इतना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11y इक्वल टू माइनस 3,
तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -3/11। अब सोल्यूशन निकालने का तरीका, लिखने का तरीका जानते ही हैं, फिर से सोल्यूशन लिखेंगे। तो पहले f की वैल्यू -3/11, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी x की वैल्यू है 37/11 और y की वैल्यू है -3/11। अगर आपको चेक करना है तो वो पहले मेथड तरीका बताया था कि इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख के देखेंगे तो इधर जीरो है तो उधर भी जीरो आएगा, इसमें रखेंगे तो इधर जीरो है तो इधर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर मैंने शुरू में ही कहा था, शुरू वाले वीडियो में इसके इनिशियल, कि किसी भी मेथड से, तीनों मेथड हम सीख लिए, किसी भी मेथड से अगर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर एक ही आएगा। तो आप क्या करोगे कि इन छह इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन लोगे और उसको तीनों मेथड से सॉल्व करोगे, देखोगे कि आंसर एक आ रहा है कि नहीं। तो इस वीडियो तक हम लोग क्या सीखे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि कुछ स्पेशल सॉल्यूशन होते हैं उनको हम करेंगे, वो 4 मार्क्स में आपके पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।